चेयरमैन पीटीआई की जानिब से किसी भी वकील की पेश ना होने पर फैसला महफूज। तोशाखाना केस का फैसला महफूज है और 2:30 बजे सुना दिया जाएगा, जज हुमायूं दिलावर का ऐसा कहना है। जज हुमायूं दिलावर ने केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल के लिए 12 बजे का वक्त दिया था। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश नहीं हुए, ख्वाजा हारिस नैब कोर्ट में मसरूफ हैं और बस आ ही रहे हैं। मावने वकील का ये कहना था, केस बताएं किस किस में ख्वाजा हारिस मसरूफ हैं। जज हुमायूं दिलावर का ऐसा कहना था। एहतसाब अदालत में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत मावने है और मावने वकील का ये कहना था, इनकी वहीं क्या मसरूफियात हैं और क्या वो जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल दे रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर का ये कहना था, ख्वाजा हारिस दलाइल नहीं दे रहे, वहाँ मौजूद हैं, मावने वकील का ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कितने बजे पेश होंगे। अमजद परवेज़ का ऐसा कहना था, जैसे ही वो वहाँ से फारिग होंगे यहाँ पेश हो जाएंगे। मावने वकील का ऐसा कहना था, मेरे इल्म के मुताबिक एहतसाब अदालत में 2:30 बजे समात है। अमजद परवेज़ का ऐसा कहना है, अगर ख्वाजा हारिस पेश नहीं होते तो क्या सूरत हाल होगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस केस से मुतलक। निसार आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। निसार, हमें बताइएगा कि आज बड़ी अहम एक समात थी, क्या तफ़सीलात हैं आपके पास इससे मुतलक? जी जी, ये समात सुबह से जारी थी। जो जज हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने कहा कि आखिर ख्वाजा हारिस कहाँ मसरूफ हैं और क्या सूरत हाल क्या है। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज के ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डर जो है वो पेशी के वाज़ह हिदायत थी, मगर अभी तक जो है वो कोई वकील पेश नहीं हुआ। जो वकील हैं खालिद यूसुफ, उन्होंने बताया कि ख्वाजा हारिस जो है सेशन अदालत आएंगे, वो ही तफसीलात बताएंगे। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुझे केस का नाम बताएं जिसमें ख्वाजा हारिस मसरूफ हैं। वकील जो है खालिद यूसुफ, उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों के हवाले से एक केस में मसरूफ हैं। हुमायूं दिलावर ने कहा कि कैसे किस समात में ख्वाजा हारिस मसरूफ हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं। वकील जो खालिद यूसुफ थे, उन्होंने कहा कि जमानतों में ख्वाजा हारिस मसरूफ हैं। जिसके बाद जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में 12 बजे तक जो समाअत में वक्फा था, उसके बाद अब चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो है वकील पेश ना होने पर जो है फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि तोशाखाना केस का फैसला 12:30 बजे अब सुना दिया जाएगा। जी निसार आबिद, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर आपको इस अहम खबर से मुतालिक अपडेट करते चलें कि सेशन अदालत में पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस है। जज हुमायूं दिलावर की अदालत में वक्फे के बाद केस की समाअत जारी रहेगी और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से किसी भी वकील के पेश ना होने पर फैसला महफूज है। तोशाखाना केस का फैसला महफूज, 2:30 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। जज हुमायूं दिलावर का ऐसा कहना था, जज हुमायूं दिलावर ने केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल के लिए 12 बजे का वक्त दिया था। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश नहीं हुए, ख्वाजा हारिस ने नैब कोर्ट में मसरूफ हैं, बस आ ही रहे हैं, मावने वकील का ऐसा कहना था।